Hey guys, so finally, अरसो बाद हम लोग जा रहे हैं आज रोड ट्रिप पे. आज संडे है वापस से, जैसे संडे को हमेशा हम लोग निकलते हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं लोनावला. सो चलते हैं, लेट्स गो. So we are here at our bus stop. We have some samosa and aap dekh sakte ho ye view bahut amazing hai. Ye sasta Hollywood lag raha hai pura. लेट्स, सो प्लान में थोड़ा सा चेंज है. हम लोग लोनावला जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ है जहाँ पे कुछ भेड़ से केव है. आई डोंट नो, सॉरी प्रोनंसिएशन, मेरे को ठीक से पता नहीं. सो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं एंड वो पहाड़ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है. ये वो पहाड़ है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं. यहाँ से जाने का है सीढ़ी से, और वहाँ कहीं पर कुछ केव है. आई डोंट नो, चलो देखते हैं. ओह, काफ़ी दूर है यार. अनुमा भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. सीढ़ी चढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है. औकात अनुसार पता चल गई औकात. ये हम लोग अभी थोड़ा ऊपर आ चुके हैं बीच में, और मेरे साइड में जो व्यू है अमेजिंग. चल चल के जा रहा हूँ, बहुत दूर है यार. भाई देखो, इतनी ऊपर आने के बाद कुछ ज़्यादा खास मिला नहीं हम लोगों को. एक छोटी सी गुफा है बहुत पुरानी, और अंदर जूते उतार के जाना है, तो मेरा मूड नहीं है जूते उतारने का. एंड यही वो गुफा है. ये कुछ एंट्रेंस है, यहाँ पे छोटे छोटे दो चार हैं, कुछ कुछ पता नहीं, आई डोंट नो. सो यही था बस, अभी वापस से बहुत नीचे जाना है. ये वो स्टेयर से जहाँ से हम लोग आए हैं ऑल द वे अप, एंड हमने गाड़ी पार्क वहाँ की है, वहाँ वो छोटे से जगह पे वहाँ गाड़ी पार्क की है. वहाँ से हम लोग चल चल के आए हैं, काफ़ी थक गए हैं. अब बस जल्दी नीचे जाना है और लोनावला जाने का है. लेट्स गो. बस आया था ये केव जो है इसकी फोटो लेने, और मुझे देखो क्या दिखा. अब ये पता नहीं जिंदा है या मरा हुआ, बट इट्स स्केरी. ऑलराइट, सो ऊपर तो गए थे हम लोग 5 मिनट के लिए, बट आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 1 आवर हम लोग नीचे जा रहे हैं. काफ़ी कुछ ऊपर किए हम लोग, वीडियो शूट किए, स्लोमो वीडियो बनाए, फोटोज़ वगैरह लिए. सो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, फीलिंग सो गुड. एक सबसे अच्छी चीज़ ऊपर है ये है कि ऊपर पानी मिलती है और वो फ्रेश है, सो दैट्स अ गुड थिंग. तो अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली लोनावला. सो लेट्स गो. यहाँ पुणे में मैंने ना नॉर्मली देखा है कि काफ़ी पहाड़ हैं, जहाँ जाओ वहाँ कोई ना कोई पहाड़ है, बहुत सारे सीनरी, नेचुरल ग्रीनरी बहुत सारे हैं यहाँ पर. बट ये जो जगह है ना और ये जो व्यू है, ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा था. लेकिन ये बहुत अमेजिंग, मतलब दूर से लगता है कि वही नेचुरल नॉर्मल सा होगा, बट बहुत ही बढ़िया. यहाँ पर आप आकर देखोगे एक बार, बहुत अच्छा लगेगा. अमेजिंग प्लेस.
अमेजिंग। नीचे उतरना भी इतना इजी नहीं है यार, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं और मुझे बहुत सारा पानी पीना है। अरे ये चीज़ देखो, ये देखो DDLJ की याद आ रही है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ा खाना खाने के लिए, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी तो चलते हैं। बट एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। ऑल राइट, तो हमारा खाना खत्म हो चुका है, पेट पूजा हो गया, एनर्जी वापस से आ गई, हम लोग बहुत थक चुके थे सीरियसली और बहुत जोर से भूख भी लगी थी। और अब ये सीन है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं और हमें जाना है लोनावला जाना है सनसेट के टाइम पे, टाइगर पॉइंट है वहाँ पे सनसेट देखने के लिए और एक टाइम लैप्स, खूबसूरत सा टाइम लैप्स लेने के लिए। ये अभी दो पहाड़ है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, हम लोग उसके पूरे बीचों बीच से जा रहे हैं। अमेजिंग व्यू। ओके, तो हम लोग जा रहे थे टाइगर पॉइंट और रास्ते में एक गाड़ी अटक गई है किसी की कार, तो हम लोग उसको निकालने में हेल्प कर रहे हैं उनकी। और अब तो अंधेरा हो चुका है तो सनसेट तो मिलेगा नहीं और टाइम लैप्स भी गया हमारा। सो आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे अटकी है। फाइनली शाम के 7 बजे और हम लोग यहाँ टाइगर पॉइंट पहुँचे जहाँ पे लोग आते हैं सनसेट देखने के लिए और हम लोग यहाँ पे मूनराइज देखने के लिए आए हैं। वैसे पीछे सनसेट देखो कितना बढ़िया हुआ। सो अब तो सनसेट तो हमारा गया और सनराइज के लिए हम वेट कर नहीं सकते, तो अब हमें डायरेक्ट घर जाना है ना प्रभु। हाँ चलो निकलो। प्रभु बता कैसा लगा आज तेरे को? सही था लेकिन जो एम किए थे वो तो देख नहीं पाए, फिलहाल नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि सब देख ले हम लोग तो फिर सही है। और रोड कैसा लगा तेरे को? अरे भाई रोड बहुत अच्छा था, थोड़ी डिफिकल्टीज थी लेकिन मजा आया। हाँ, और यहाँ पे जो मतलब रास्ता है वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है, मतलब जो लोकेशन वगैरह है वो ठीक ठाक है नॉर्मल, बट जो रास्ता है अमेजिंग है। जैसे मैंने आपको दिखाया गाड़ी नहीं चलाई हुई एक है। जगह याद है तेरे को जहाँ पे दो पहाड़ थे उसके बीच से? अरे यार वो रास्ता तो बहुत मस्त, बहुत बढ़िया था। वो बताया किसने था? इन्होंने बताया था वो रास्ता, इन्होंने, ये मेरे भैया हैं एनवायरमेंट ऑफिसर। हेलो, मस्त बंदे। लेकिन चल तो फिर आज खत्म, अभी घर चलते हैं। चलिए फिर, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, शायद अच्छा नहीं लगा हो क्योंकि उतना अच्छा बना नहीं था, बट मैंने कोशिश की थी। एनीवेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करने का है प्रभु? कमेंट भी कर दीजिए, रिव्यू भी दे दीजिए और चलिए बस। भैया आप भी कुछ बोल दो, सब्सक्राइब अच्छे से लाइक कीजिए, पहुँचाइए इसको। थैंक यू, चलिए बाय। बंटी सुन तो, बंटी मैं मार